शो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके बाय पर ब्लॉक में आपका स्वागत है और मेरे तरफ से सभी को राम राम भाई। जिंदगी मेरी शहनाई, हम बजे न रास्तों में जैसे हम शहनाई। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं रूटर चौक में और अभी रैंडम ही आना पड़ा है क्योंकि एक दोस्त आई है, उससे मिलने आए हैं। गेस करना, तुम लोग को वीडियो में पता चल जाएगा क्योंकि पहले भी मतलब ब्लॉग में रही है। तो मिलवाते हैं आज, बहुत दिनों के बाद सब मिला है तो देखते हैं। फिलहाल यही इन्हीं से मिलने आए, देखिए फोटो शूट कर रही है। देखिए अभी जा रही भी है, बताइए बच्ची आ जाए। अच्छा कितने देर के लिए मिली है आप? अभी नहीं, मेरे से पहले आधा घंटा हो चुका है। अभी इतने आई है, दो दिन पहले मतलब कहीं कमी है। तो पहले कहाँ गई थी आप, थोड़ा व्यूअर्स को बताओ। दो दिन वहाँ रह के आई है, गलत मत समझना। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई फिलहाल स्टेशन साइड आ चुके हैं, रात का नाइट का व्यू देखो बहुत अच्छा आ रहा है। बरसात का टाइम है तो जान ही रहे हो कैसा व्यू आएगा, पूरा फुल्ली लाइटिंग से सजा हुआ है। अब बोलोगे तुम लोग कि भाई बार बार ब्लॉग बना रहे हो क्यों स्टेशन ही का, भाई आना ही जाना रहता है स्टेशन तक, क्या करें, बनाना पड़े। इनको छोड़ने आए हैं तो फिलहाल अभी थोड़ा देर में निकलेंगे क्योंकि ट्रेन लेट है भाई। देखो क्राउड, देखो बारिश का मौसम भी बहुत सुहाना है भाई। अभी फिलहाल अभी कुछ करने को नहीं है क्योंकि ट्रेन लेट है भाई, तो अभी जाएंगे। अभी देखो कहाँ सीन क्या है आगे का, देखते हैं बताते हैं भाई। तो भाई एक सीन दिखाते हैं पटना जंक्शन का, देखो बहुत, देखो क्या कुछ दिख रहा है, तो जूम कर रहे हैं, देखो भाई पीछे देखो पीछे। डॉग कहाँ पे चढ़ा हुआ है, गजब भाई गजब, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे इंसान के लिए वैसे जानवर के लिए। देखो भाई क्या सीन है, थोड़ा यूनिक पन लगा। देखो गाइस फिलहाल अब जाके ट्रेन आया है, नहीं नहीं अभी भी नहीं आया है। तो फिलहाल अब निकल रही है बंजी, कैसा लग रहा है मैडम? और जाने का खुशी है, गम है जाने का, गम है कि खुशी है? वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी यहाँ और कुछ रहना चाहिए था ना, आप लोग समझ सकते हो। तो भाई कितना लेट है ट्रेन, लगभग 11-12 तीन घंटा का इस ट्रेन लेट है, बताओ ये है रेलवे का टाइमिंग, बताओ कहाँ 10 बजे 9 बजे ट्रेन आने वाला था, अब आ रहा है 12 बजे। हमको भी रुकना पड़ा क्योंकि अकेले थी तो छोड़ कर जा नहीं सकते थे, बताओ कोई उठा लेगा तो रास्ता में। ऐसे तो वन मैन है कि गर्ल, वैसा ही समझ लो दोनों मिक्स वेरियंट। इसका हाल बुरा है मैडम का। तो गाइस देखो फाइनली जाकर अब जाकर ट्रेन हम लोग आया है, हम मेरा नहीं सीखा का इसका, देख लो अब। इतना नौटंकी के बाद अब सब ट्रेन आया है, मगर ये ट्रेन इतना लेट हुआ क्या कहोगी आप? बैठ गया बस, चले जाए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कैसे झेल ले तो फाइनली गाइस, देखिए B8 है ना, चलिए B14
रुक जाइए सब आगे देगा, बोले थे ना आगे देगा। चलिए 13 है रुक जाए, भगवान करे चलना नहीं पड़े, बेचारी नींद में ना। क्या करोगे भाई, बेचारे हम दोनों परेशान हो चुके हैं, क्या करे भाई। ये ट्रेन का भी नाम है देख लो भाई, हम सफर एक्सप्रेस, पर हम नहीं है फिलहाल, गलत मत समझना तुम लोग, रिवर्स गलत समझ जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा गाइस लक साथ देते हुए, क्योंकि हम लोग जस्ट सामने ही रुका है बोगी, देख लो B8 में था, खुलेगा अरे यार अंदर से लॉक नहीं उड़ा क्या, उधर उधर से चलिए, उधर उधर खोल रहा भाई गेट बंद। इतने सारे दुख एक साथ कैसे झेलूं बताओ भाई, अब फिलहाल खुल रहा है, चलो लॉक काय कर देता है, सोया हुआ है। देखो भाई अरे यार उठना पड़ेगा, बहुत नौटंकी रे भाई ट्रेन का सफर है। अच्छा तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं अंदर, यही है इनका बोगी, अंधेरा कायम रहेगा। कितना नंबर है, यही है, वाओ कोई तो सोया हुआ था यहाँ पे। हाउ लकी स्टार्टिंग में इसमें दो है कि एक है, अकेले तब ठीक है भाई, देखो अंधेरा कायम रहेगा। हाँ कितना बजे खुल रहा है ठीक है, चला यूज कर लिया, वहाँ से ले लीजिएगा 10 मिनट आगे आ जाइए, गेट लगा देता है रे भाई, बहुत जल्द मिलेंगे, कब नवरात्रा देखते हैं। मैडम अब जा रही है हम लोग को छोड़कर, और कौन सा ट्रेन है, हम सफर, मेरा अकेले सफर हो रहा है, बेस्ट फ्रेंड चले गया मुझे छोड़ के, यश तो फाइनली भाई ट्रेन आ चुकी है और हम लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो भाई मौसम फिर देखो भाई, हम लोग को जाना भी है घर, क्योंकि बारिश का मौसम है, अब 12:30 बज रहा है, घर भी पहुंचना ज़रूरी है, मम्मी इंतज़ार कर रही है, बाय बाय। तो भाई ये मेरा वीडियो बना रही है, हम इसका बना रहे हैं, बाय बाय बाय। फिलहाल का आपस में वीडियो बनते हुए है भाई, क्राउड थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए जो ट्रेन का भी आवाज़ आ रहा है, तो मिलते हैं कितने दिन बाद, ये तो आज के मैसेज कर दीजिएगा घर पक्का, अच्छा कर देंगे, बाय 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 हम सफर। वो हाँ अरे भाई भूल गए थे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बाय बाय। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं भाई अपने घर के तरफ, क्योंकि थोड़ा ट्रेन लेट है, हमको घर दूर जाना है, नहीं तो गाली सुन जाएंगे घर पे।
भाई फिलहाल घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो जा रहे भाई। देखो आगे क्या ट्रैफिक, अब तो नहीं 12:30 बज रहा है, तो अभी तो ट्रैफिक ही सब मिलना इम्पॉसिबल वाली बात है। अभी डायरेक्ट घर जाएंगे, अब फिर देखो आगे का क्या सीन, खाना भी कुछ नहीं खाए तो अभी घर जाकर पहले गाड़ी निकालते हैं और फिर भाई ब्लॉग में बने रहो, घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। देखो बाहर का व्यू भाई, अंधेरा अंधेरा भाई, लाइट कट गया क्या, ऐसा सीन आ रहा है। देखो फिर अपना गाड़ी देख लेते हैं भाई, गाड़ी लगा हुआ है कि नहीं, तो देखो भाई यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे हैं। कौन लगा चोरी की बात है भाई, देखो यहाँ पे अब पार्किंग में यही सब होने लगा सीन। देखो अब मोबाइल होल्डर भी चोरी होता है, अब कुछ दिन में गाड़ी का यदि पार्ट चोरी होगा, मतलब ये भैया का चोरी हो गया, बताइए कौन लगा, अब कैसा लोहा वाला खुल जाएगा, अरे तो खुला है तभी ना भाई बोल रहा है, पूछिए पहले क्या हुआ वाला जो रहता है ना, जो लगा रहता है वो है, अब निकाल लिया जिम्मा वाला खोल लेते, अरे भैया जिम्मा लीजिएगा ना, अब बताइए जिम्मा लीजिएगा, लिमिट मानते हैं कि कोई हम आप लोग नहीं लेते हैं, क्या था इनसे पूछिएगा तो निमने पहले मोबाइल लगाने वाला रहता है, अरे मोबाइल हम लोग, अरे भैया मेरे स्कूटी वाला जो आता है ना भैया, हां जी हम सब भैया लगा रहता हुक लगा रहता है, एक सेकंड बताते हैं जी, बताइए मेरे बुलेट में भी लगा हुआ है क्या, अब एक और भी लगा हुआ है, ऐसा थोड़ी है बताइए भाई, गजब गजब सिस्टम है यहाँ का, आप पार्किंग चार्ज किस चीज का ले रहे हैं, लगा हुआ हमारा से सर दे लोहा वाला खुल जाते हैं, छोड़िए रहने दीजिए कहो जी, लो आप कुछ ही करेगा, तो ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ न्यू एनर्जी के साथ न्यू ब्लॉग में, स्टिल देन गुड बाय गुड नाइट, राम राम सभी को भाई, मैं सबसे।